सो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह निकल चुके थे अपनी कोचिंग के लिए, सुबह के 7 बजे थे और कॉलोनी में बड़ा सन्नाटा था। सन्नाटा देखते हुए मैं आगे बढ़ा तो देखा नदियाँ बह रही हैं। नदियों को पार करने का स्ट्रगल तो अलग ही लेवल का था। इसको पार करके आगे बढ़ा तो खुद सही सड़क मिली। अब इस गलियों में से निकलते निकलते मुझे बहुत दूर जाना था, तो मैं आराम से चलता चला गया। छोटी गलियों से बाहर निकल के आया तो बड़ी गलियों पे मैंने देखा स्पाइडरमैन। लग रहा रात में आया था यहाँ पे, स्पाइडर बना के चला गया। लगता है किसी को 20 सड़क पे दबोचने का प्लान है उसका। बड़े चौराहे पे निकल के आया तो यहाँ देखा क्या, यहाँ पे एक बस दूसरी बस के साथ कंपटीशन खेल रही थी। लगता है ये सब भी भाई हम फर्स्ट खेल रही थी। लाल बस जाती थी तो हरी बस जाती थी तो नीली बस आती थी। क्या चल रहा था यहाँ कुछ पता नहीं। इसी बीच में मैंने भी फटाफट सड़क पार कर ली। सड़क क्रॉस किया ही था कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये अलग किस्म का तोप खड़ा हुआ था। ये तोप पे दिल्ली सरकार लिखा हुआ था और इनकी तोप की मशीन भी कुछ नई तरह की थी। लगता है ये दोनों मिलके कहीं धमाके करने जा रहे थे। शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैंने पार्क के अंदर एंट्री मार दी। पार्क के अंदर मेरा दोस्त अंदर जाके सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए अंदर मैंने एंट्री किया। देखा सब लोग बाहर घूम फिर रहे हैं, खूब सुबह सुबह योगा वोगा कर रहे हैं। हमारा दोस्त रुक के कुछ और ढूंढने लगा। इतने में मैंने देखा वर्ल्ड कप की नई टीम यहाँ पर तैयार हो रही है और मैंने चुप्पे से बाय कह के निकल लिया। इतना चलने के बाद हमें एहसास हुआ कि अभी मंजिल बहुत दूर है। मंजिल से याद आया कि ऊपर से जहाज जा रहा था लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए। अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे थे कि यहाँ मैंने देखा इंजीनियर वाला नाम से एक नई इमारत खड़ी हो चुकी थी। हमारी कोचिंग की तरफ हम बढ़ते गए और देखा क्या, जब पहुंचे तो यहाँ पे मेन गेट ही बंद था। गेट खुलने का इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही एंट्री हुई तो हमने भी एंट्री लोगों के बीच में घुस के चालू कर दी। एंट्री करते ही मैंने देखा काफ़ी लंबा इंतजाम है यहाँ बैठने बैठने का, तो यहाँ पे मैंने बिना वक्त जाया करे फटाफट आगे की सीट पकड़ने के लिए कोशिश कर दी, वरना आगे की सीट चली जाती।